वेलकम टू बॉलीगर्ल। कपिल देव का इंडियन क्रिकेट में क्या कंट्रीब्यूशन है ये सभी जानते हैं। कपिल देव की लाइफ में कई ऐसे भी मोमेंट्स रहे हैं जिसे रन या फिर बोर्ड स्टेटस से जज नहीं किया जा सकता। ही इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। एज वी नो कि किसी भी बायोपिक को बनाने में मेकर्स को काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बिकॉज मेकर हैव टू टच एवरी एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज लाइफ जो एक्चुअल में हुआ था। अकॉर्डिंग टू बायोपिक, मेकर्स को एक ऐसे एक्टर की भी तलाश होती है जो बायोपिक में सूटेबल बैठ पाए। एक डायरेक्टर हमेशा ऐसी मूवीज के लिए किसी एक्टर में ऐसे सिमिलरिटीज को देखता है जो बायो के अकॉर्डिंग प्रॉपरली स्टैंड कर सके। एज वी नो कि हाल ही में 83 मूवी रिलीज की गई है, विच इज द बायोपिक ऑफ कपिल देव। इस फिल्म में हम अपने फर्स्ट विनिंग वर्ल्ड कप के बारे में देख रहे हैं, हाउ कपिल देव मेड द इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल। इस फिल्म में हम बहुत से रिक्रिएटेड मोमेंट और न्यू रेवोल्यूशन को देखने वाले हैं, विच वी नेवर हर्ड। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने अपने स्टार कास्ट पर काफी ध्यान दिया है ताकि ये फिल्म 80s के टाइम को रिक्रिएट कर पाए। हम इस मूवी के मेन लीड रोल में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को देख रहे हैं, विच इज नाइस चॉइस ऑफ डायरेक्टर कबीर खान। द फिल्म इज ऑलमोस्ट गोइंग एंड इंस्पिरेशनल। सो आज के इस वीडियो में हम फिल्म से जुड़े 7 अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें आप शायद ही जानते होंगे, जैसे कि वाई कपिल देव इनिशियली डिनाइड टू डू दिस मूवी बट आफ्टर ही अग्रीड, हाउ पंकज त्रिपाठी इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर दिस मूवी। एंड ये मूवी 2020 में रिलीज होने वाली थी बट ऐसा क्या हुआ जो इसे 2020 के एंड में रिलीज किया गया। ऐसे बहुत से फैक्ट्स आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू एन इंटरेस्टिंग वीडियो, सो वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, कई मूवीज ऐसी होती हैं जिसमें फैंस उनके स्टार कास्ट को इतना पसंद करते हैं कि फैंस डोंट फॉरगेट देम एवर, जिसकी वजह से फैंस उनकी जगह किसी अदर एक्टर्स को देखना पसंद नहीं करते। ये फिल्म रणवीर और दीपिका की 4th कोलैबोरेशन है एंड फर्स्ट आफ्टर देयर मैरिज, जो कि हर बार की तरह रिलेटिव नजर आ रही है। इससे पहले फैंस ने इन्हें कई मूवीज में पसंद किया है जिसमें इन्होंने सिनेमैटिक के साथ साथ रियल परफॉर्मेंस दी है, जिसकी वजह से इनकी मूवीज मेमोरेबल बन जाती है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे बोथ एक साथ ऐसे फिल्म में काम कर रहे हैं जिसे संजय भंसाली ने डायरेक्ट नहीं किया। दीपिका पादुकोण इज प्लेइंग रोल ऑफ कपिल्स वाइफ रोमी देवी। नंबर 2, कपिल देव की कैसी पर्सनैलिटी है जो कि लोगों के दिलों में बसती है। एवरीवन नो कि ही इज एन लीजेंड और इन्होंने हमारे कंट्री को एक ऐसी अचीवमेंट दी है जिसके बारे में इंडिया के लिए सोच पाना भी नामुमकिन सा था। ऐसे में हम इस मूवी में कई ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स को देखेंगे विच विल मोर रिस्पेक्ट फॉर देम इन आवर हार्ट्स। इस मूवी में हम एक ऐसे सीन को देखते हैं जिसमें कपिल देव ने बालकनी से वर्ल्ड कप उठा रखा है। दैट इज द रिक्रिएट सीन बट इन दोनों सीन में फर्क कर पाना मुश्किल है। एंड वी वॉच कपिल देव नटराज शॉर्ट्स विच वॉज सो फेमस एट दैट टाइम। ऐसे ही बहुत से सीन्स फिल्म में रिक्रिएट किए गए हैं जो कि आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलने वाला है। सो व्हाट अबाउट यू थिंक नटराज शॉर्ट्स, इट्स योर फेवरेट शॉर्ट और नॉट, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 3, किसी बायोपिक फिल्म बनाने के लिए मेकर्स को एक ऐसे एक्टर्स की तलाश होती है जिसमें बायो के अकॉर्डिंग काफी सिमिलैरिटीज हो। इस फिल्म में रणवीर सिंह को कपिल देव का लुक देने के लिए काफी डिटेलिंग में काम किया गया है। उनके हेयर स्टाइल से लेकर फेस के सभी डिटेल्स पर काम किया गया है जो कि रणवीर सिंह को काफी हद तक कपिल देव बना देता है। बट एक मेजर पॉइंट है जिसे रणवीर सिंह ने खुद एफर्ट के साथ करने की कोशिश की है और वो है कपिल देव की आवाज। रणवीर हैज डन एज मच एज ही कुड टू मेक हिज वॉइस लाइक कपिल देव। नंबर 4, जब फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने फिल्म 83 बनाने के लिए कपिल देव को अप्रोच किया तो कपिल देव ने इनिशियली इस मूवी को करने से मना कर दिया था, बिकॉज उनका कहना था कि किसी भी बायोपिक को बनाने के लिए एक लॉन्गर टाइम काफी इम्पोर्टेंट होता है और हमें वर्ल्ड कप को जीते बस कुछ ही डिकेट्स हुए हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक अब इस मूवी की जरूरत नहीं है। बट व्हेन डायरेक्टर कबीर खान ने अदर लीजेंडरी प्लेयर्स को फिल्म के लिए अप्रोच किया तो वो सब अग्री हो गए, जिसकी वजह से कपिल देव को भी इस मूवी के लिए एग्री होना पड़ा। नंबर 5, फिल्म में अदर कास्ट के लिए ऐसे और भी कई टैलेंटेड एक्टर देखने को मिलते हैं जिसे ये मूवी भी सुपरहिट मूवीज में स्टैंड करती है। फिल्म में हमें 2 पंजाबी एक्टर देखने को मिलते हैं हु इज प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन दिस फिल्म। फिल्म में एमी वर्क एंड हार्दिक संधू देखने को मिलते हैं जिसे ये मिक्स एंड मैच कई लोगों के लिए काफी एक्साइटिंग बन जाती है। कई लोग ये बात नहीं जानते कि हार्दिक संधू सिंगर बनने से पहले एक अंडर-19 क्रिकेटर रह चुके हैं। नंबर 6, डू यू नो कि अगर पैंडेमिक नहीं हुआ होता तो फिल्म 2020 में ही देख लेते। मूवी की शूटिंग जून 2019 में इंग्लैंड में शुरू कर दी गई थी बट कई पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से फिल्म की रिलीजिंग डेट को कई बार पोस्टपोन करना पड़ा एंड फाइनली ये मूवी 24 दिसंबर 2021 को इंडियन सिनेमा हाउस में 4 अदर लैंग्वेज में रिलीज कर दी गई। नंबर 7, एज वी नो कि पंकज त्रिपाठी किस तरह के एक्टर हैं,
ये अपने हर एक कैरेक्टर को काफी पैशनेट के साथ करते हैं। ही इज द रियल एक्टर जो हमें दिखाते हैं कि एक्टिंग रिलेटिविटी किसे कहते हैं। इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी टीम के मैनेजर पीआर मानसिंह के किरदार में नजर आ रहे हैं एंड ऐसा लगता है कि ही इज अडैप्टेड हिज कैरेक्टर। इस फिल्म के ज्यादातर मोमेंट में पंकज त्रिपाठी कैप्चर होते हैं एंड इस रियल और सिनेमेटिक फिल्म को और भी स्टैंड देते हैं एज यूजुअली हिज अदर फिल्म्स। सो फ्रेंड्स, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस फिल्म, टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब विच यू वांट। बाय बाय।